नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड पब्लिक हेल्थ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपको मैं एक आत्मनिर्भर महिला पशुपालक से मिलाने जा रहा हूं, जो कि एक छोटी सी डेयरी चलाती हैं और उस डेयरी से उनको क्या क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलो आपको उनकी छोटी सी डेयरी उसका विजिट कराता हूं। तो दोस्तों, हमारे जो पास खड़े हैं ये महिला पशुपालक हैं, इनसे हम जानते हैं कि इनका जो है घर की जिम्मेदारियों में क्या क्या योगदान है। तो आपका नाम क्या है? संगीता। तो इनका संगीता नाम है, इनकी छोटी सी डेयरी जो आपको हम दिखाते हैं। एक मिनट आपकी डेयरी दिखा दो। कितने जानवर हैं टोटल दूध देने वाले? पाँच। पाँच जानवर हैं, सारे दूध देते हैं? ठीक है, एक बार डेयरी दिखाओ। इनकी छोटी सी डेयरी है जो उधर उधर वाला पशु भी दिखाओ। पूरी डेयरी दिखाओ इनकी। ये डेयरी जो है ये महिला खुद चलाती हैं और खुद आत्मनिर्भर हैं। हम इनसे जानेंगे कि कितना इनका कलेक्शन है और घर के अंदर जो आर्थिक सहायता इनकी कितनी है वो अपन जो है इनसे बात करेंगे, बातचीत के दौरान जानेंगे। तो ये इनकी डेयरी है। तो दोस्तों, इन जो महिला पशुपालक हैं इनसे अपन जानते हैं कि डेली इनका कितना कलेक्शन है, कितना क्या है और कितना इनका जो घर के अंदर जो है आर्थिक योगदान कितना है। तो आपके कितने दूध देने वाले जानवर हैं? पाँच है। पाँच जानवर इनके दूध देने वाले हैं। तो डेली का कितना दूध जो है वो कलेक्ट हो जाता है? 50 लीटर। तो इन 50 लीटर दूध कलेक्ट हो जाते हैं। और 50 लीटर घर पर ही उपयोग करते हो या बेचते हो? बेचती हूँ डेयरी पर। तो डेयरी पर बेचती हैं। क्या रेट से मिलता है, एक लीटर का क्या भाव है? 30। तो 30 रुपये है, तो 50 लीटर के आसपास आप देते हो, तो 1500 रुपये डेली का हो गया। तो मंथली अपन आप देखें तो 45,000 रुपये जो है ये अकेली महिला पशुपालक है वो घर के अंदर जो है वो कलेक्ट करती हैं। अब ये आपके 45,000 रुपये मंथली हो रहे हैं, इनमें से खर्चा कितना हो जाता है? 20,000। तो इन्होंने जो पैसे जो हैं इनके 45,000 रुपये जो हैं वो दूध से आते हैं, उसमें से जो है 20,000 रुपये जो हैं जानवरों को विभिन्न प्रकार का खाना या फीडिंग देने में, शेड मेंटेन करने में या मेडिकेशन में खर्च हो जाता है। बाकी जो शुद्ध लाभ है वो 25,000 रुपये हैं। तो 25,000 रुपये मंथली बच जाते हैं? हाँ। तो 25,000 रुपये इनके मंथली बच जाते हैं। और फिर ये 25,000 रुपये घर में क्या काम में लेते हो आप? घर में तो काम में तो आते ही है। क्या मतलब घर में एक आर्थिक सहायता पति को मिलती है या फिर बच्चों को देते हो या खुद आप कलेक्ट कर रखते हो अपने पास? तो भी लगता ही, घर में भी खर्चा लगता है। तो ये घर में भी खर्चा लगता है और जो एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि जो परिवार को जो है वो एक तरह से आर्थिक सहायता है 25,000 रुपये की। तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया उदाहरण है कि ये महिला जो है वो अपने जो खेत के अंदर जानवर रखकर 25,000 रुपये की जो आर्थिक सहायता है वो अपने घर के अंदर देती हैं। तो आप, तो संगीता जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो डेयरी आपने कर रखी है, इस डेयरी से आप महिला पशुपालक जो हमारे हैं उनको कुछ प्रेरणा देना चाहेंगे? ना सर, इवान तो नंडा पड़ा जो तो फायदा है, इवान 5 रुपया में तो बढ़िया है, जो घर में खर्चो भी है और भी है, टाबा टिकर भी है, बढ़िया तरीकों चल रहा है आदमी। बिल्कुल बढ़िया। हाँ, और न कि इसको खात भी है, मान लो कि फायदा फायदा है डेयरी में, तो मेरे खाना को तो मत बोलो ही है बस। तो ये बहुत बढ़िया बताया इन्होंने कि जो महिलाओं के लिए बहुत फायदे वाली चीज़ है कि आराम से जो है महिलाएं जो हैं घर पर आपको अपने जानवर पाल सकती हैं और जो परिवार की जो आर्थिक सहायता भी कर सकती हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी पूर्ण कर सकते हैं। अब 2-4 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जानवरों के ध्यान रखने वाली बातें। एक तो आपको जो मतलब आपने से मतलब इन फ्यूचर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हो जाएं तो इनके लिए थोड़ा सा पक्का सेट बना दो, पक्का मतलब पक्की ज़मीन, जिससे कि आपको जानवर को जैसे इस पर दूर दूर बांधना नहीं पड़े। वो जब जब आपको फ़ायदा होने लगे उसमें आपको एक फ़ायदा हो जाएगा। एक फ़ायदा तो ये हो जाएगा कि आप जानवर को जो है आराम से तो खाना खिला सकते हो और उस सेट की सफाई भी आराम से हो जाती है, आपके लिए जो है बहुत बढ़िया रहेगा, मेहनत बच जाएगी। दूसरी, सरकार की समय समय पर कई टीकाकरण अभियान आता है, जैसे मुँह पक्का खुर पक्का का आता है ना कि वेटनरी डॉक्टर लगाने के लिए कोई कोई आता है, तो वो टीका लगाना ज़रूरी है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि ये वायरस जो है पूरे देश में से ख़त्म हो जाए। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कोई भी अगर जानवरों का जो डॉक्टर है या कोई कंपाउंडर है वो टीका लगवाने आए तब आपको टीका लगवाना है। तो आप लगवाओगे? हाँ सर, लगाऊंगी। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सरकार की एक स्कीम और चल रही है, जैसे आदमी का आधार कार्ड है,
अपना आधार कार्ड है उसी से अपनी पहचान है कि भाई ये अपना आधार कार्ड है। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि हर पशुपालक के पास जितने भी जानवर हैं सबका आधार कार्ड जो है वो बने, उसके लिए कान में एक जो है कुड़की लगाते हैं। तो ज़्यादातर लोग नहीं लगवाते, आपने लगवा रखी है क्या? ना सर, कौन लगा रहा है? हाँ, आपने नहीं लगा रखी, तो वो आपने इसलिए नहीं लगा रखी कि आप ये सोच रहे हो कि कोई ये सोच लेगा कि इसने लोन उठाया है, या कान में दर्द हो जाएगा, या फिर कोई दूध में फर्क पड़ जाएगा, यही सोच रखा होगा। हाँ, तो ये गलत बात है। मैं आपको ये चीज़ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं सबको ही बोल रहा हूँ कि जो टैगिंग की प्रक्रिया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सरकार ये चाहती है कि आप पशुपालकों के पास जितने भी जानवर हैं सारे के सारे जानवर रजिस्टर्ड हों, ताकि सरकार जो भी पशुओं से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई स्कीम लेके आती है तो सरकार के पास डाटा तो रहे कि अपने पास कितने जानवर हैं, ठीक है। और पशुपालक ये सोच के नहीं लगवाता कि इसकी प्राइस कम हो जाएगी या फिर इसमें दूध में कोई फर्क पड़ जाएगा, कान कहाँ है दूध कहाँ है कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है, दर्द भी नहीं होता। और ऐसा भी पशुपालक सोचते हैं कि अगर हमने टैग लगवा लिया तो पड़ोसी ये बोलेगा कि इसने लोन उठा लिया, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जब लोन देगी तब सब सभी भागेंगे, जब स्कीम लेके आएगी गवर्नमेंट आपके फायदे के लिए तब सब टैगिंग की प्रक्रिया की ओर भागेंगे कि टैग लगाओ टैग लगाओ, तब शायद सरकार की जो स्कीम है वो नहीं भी हो, ठीक है। तो आप एक काम ये करिए कि आप जो टैग है वो सभी लगवाएं, ठीक है। तो आपको भी टैग लगवाना है? लगा लें सर। हाँ, तो क्योंकि कोई भी अगर पशु चिकित्सक या कंपाउंडर कोई आता है लगाने के लिए वो सरकार की स्कीम होता है, अपनी मर्जी से तो लगाने आता नहीं। अब टैग से क्या फ़ायदा होता है मैं एक बात बताता हूँ आपको। उदाहरण के तौर पर मान लो आपको लोन की ज़रूरत नहीं है, अगर सरकार ने कोई स्कीम लगा दिया कि कम ब्याज दर पर या कुछ सब्सिडी दे दी कि आपको जानवरों पर लोन मिलेगा, 10 जानवर 15 जानवर 20 जानवर पर, अब सरकार कैसे मान लेगी कि आपके पास 10 जानवर हैं, अब उनके कान में कुड़की लगी हुई है तो आपका जानवर ऑनलाइन नेट पर मिल जाएगा कि इतने टैग नंबर का जानवर जो है इस पशुपालक का है, तो वो आराम से बैठे बैठे कंप्यूटर में गिन लेगा कि इसके पास 10 जानवर हैं तो इसको लोन दे देना चाहिए। तो सरकार की ये स्कीम है, सरकार ये चाहती है कि हर जानवर की पहचान ताकि उनको जो भी स्कीम आए उसमें उसका फायदा हो। तो आप टैग लगवाओगे है ना सर? लगवा लो, ठीक है। तो दोस्तों ये था कि हमारा जो एक महिला पशुपालक को दिखाने का एक ही मकसद था कि जो महिलाएं जो होती हैं उनका जो घर की आर्थिक व्यवस्था जो होती है, आर्थिक जो स्थिति होती है उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन जो है अपन इग्नोर कर देते हैं, कभी उनको काउंट नहीं करते हैं कि महिलाओं का क्या योगदान है। इसीलिए मैंने जो इनकी छोटी सी डेयरी है इस महिला का इस घर की जो आर्थिक स्थिति में जो योगदान है, मैंने बताया कि मंथली 25,000 रुपये जो है ये अपने घर को देती हैं कमा के अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के अंदर सुदृढ़ करती हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि महिलाएँ जितनी भी हैं या महिलाएँ क्यों पुरुष भी, महिला पर भी क्यों पुरुष भी हों, आप छोटा मोटा डेयरी व्यवसाय शुरू करें। इनसे आप उदाहरण लेके समझिए कि 25,000 रुपये सिर्फ थोड़े से जानवर, इनके पास कोई बड़ा डेयरी फार्म भी नहीं है, 25,000 रुपये मंथली जो है इनका जो आर्थिक स्थिति के अंदर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।